hello my dear students. this is abhishek mishra, faculty of social studies at mount literacy school, chassy. in this video, i am going to teach you class 9th economics chapter number 1, is the story of village palampur. in my last video, we had seen the description of village palampur. in this video uh, today, we are going to discuss about the factors that are associated with the various economic or you can say market activities. So, the factors that are very much essential for the production are given below here. So, let's start the video directly. See, the aim of production is to produce the goods and services that we want. Mainly, there are four requirements for the production of goods and services, and the first requirement is land and other natural resources such as water, forest, or मिनरल्स तो प्रोडक्शन के लिए सबसे पहली ज़रूरत जो होती है वो होती है लैंड यानी ज़मीन की और ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर है फॉरेस्ट है मिनरल्स हैं इन सभी चीज़ों के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है देखिए एज यू नो दैट वी लिव ऑन अर्थ एंड वॉट एवर यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश द फाउंडेशन विल बी ऑन अर्थ तो हम जो भी चीज़ लगाने वाले हैं चाहे आप इंडस्ट्री सेटअप करें या मशीन खरीदें उन सबको इस्टेब्लिश करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत ही होगी हवा में नहीं टांग सकते हैं किसी भी चीज़ को तो सबसे पहली ज़रूरत जो होती है प्रोडक्शन के लिए वो होती है लैंड इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लैंड की वो भी किस काम के लिए एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड के बाद जो दूसरे नंबर की रिक्वायरमेंट आती है सो दैट इज़ द लेबर ना वॉट इज लेबर लेबर मीन्स द पर्सन और द पीपल हु विल डू द वर्क मजदूर जिन्हें कहते हैं श्रमिक काम करने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता होती है वे लेबर कहलाते हैं सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स दे आर नोन एज स्किल्ड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु डू मैनुअल वर्क दे आर नॉन स्किल्ड वर्कर्स सी वर्कर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन इन टू पार्ट्स बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड ऑन देयर टैलेंट देर आर सम वर्कर्स हु यूज मशीन्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स फॉर वर्किंग वाइल देर आर सम मैनुअल वर्कर्स ऑल्सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुताई करने वाला ठीक है ठेला चलाने वाला ये सब जो है ये कहलाते हैं नॉन स्किल्ड वर्कर जिन कामों को कोई भी आसानी से कर सके वो नॉन स्किल्ड वर्कर होते हैं जबकि वो काम जो हर कोई नहीं कर सकता है और जिस लेबर के द्वारा वो किए जाते हैं वो एक हाईली स्किल्ड वर्कर होता है सो वर्कर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्टस ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन नाउ द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल फिजिकल कैपिटल जो है इसको हम कहते हैं पूंजी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया जाता है जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं दिस इज नोन एज फिजिकल कैपिटल नाउ द वेरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन वॉट आर द आइटम्स दैट कम्स अंडर फिजिकल कैपिटल ना फिजिकल कैपिटल इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स फिजिकल कैपिटल जो है वो दो प्रकार की होती है फर्स्ट इज इज द फिक्सड कैपिटल फिक्सड कैपिटल मीन्स वेयर यू आर डूइंग वन टाइम इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट जहाँ किया जाता है उसको कहते हैं फिजिकल कैपिटल फिजिकल कैपिटल मीन्स वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर कैपिटल टू परचेज सिंपल टूल्स सच ऐसा फार्मर्स प्लो to sophisticated machines like generator turbines computers tools machine building so they are purchased only for a single time you are not going to purchase machines once a year or after every month so these are the fixed capital where one time investment is needed now second is the working capital and this working capital consisted is of रॉ मटीरियल्स एंड द मनी इन हैंड रॉ मटेरियल लाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आता है क्योंकि आपको रॉ मटेरियल हर प्रोडक्शन के बाद जरूरी होता है मनी इन हैंड मतलब जो पैसा आपके हाथ में है उससे आप जो बिजली का बिल आएगा मशीनों को चलाने के लिए या फिर मजदूरों की जो पेमेंट होगी या जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा जो आपका कम्युनिकेशन कॉस्ट होगा तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं वर्किंग कैपिटल में सो प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच इज द यान यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर कपड़ा बनाने वाला जिस तरीके से धागे का इस्तेमाल करता है मटका बनाने वाला जिस तरीके से मिट्टी का इस्तेमाल करता है तो ये सभी चीजों के लिए पैसा जो है वो रिक्वायर होता है क्योंकि ये सभी चीजें रॉ मटेरियल की कैटेगरी में आती हैं एंड वेद द मनी इज रिक्वायर टू परचेज द रॉ मटीरियल दिस मनी इज कॉल्ड एज द वर्किंग कैपिटल ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स Raw materials and money in hand are called working capital, unlike tools, machines, and buildings, these are used up in production. Achha, apart from these factors of production, there is one more important uh, factor that is regarded as human capital. Human, human capital means this is the fourth requirement of the for the factor of production. Means when humans are literate, when they are educated, when they have knowledge means they have technical knowledge they have skills to perform a task in the most decent manner so that they can take maximum output from their production so they are called as human capital human capital is made by doing investment in human like in education or in health you can say so when human are fulfilled with the knowledge to do the production at very high level so this is called as human capital now, here I am ending this video right now. Rest of the topics I will cover in my next video. Thank you.